और ऐसे ही हमारे लिए भी वो जगह तैयार की जा रही है जहां पर जाकर हम रह सके, हम परमेश्वर की आराधना करें, जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को के लिए जगह तैयार करी कि वो वहां रह सके और परमेश्वर की उपासना और आराधना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1-3 पद के विषय में, उसके 11वें भाग के विषय में सीखा था कि महापवित्र स्थान में जो धूप बेदी रखी गई थी उसका क्या अर्थ है। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1-3 पद तक के विषय में, इसके 12वें भाग के विषय में सीखेंगे। और इसमें हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना, नापना मतलब नापने का क्या अर्थ है, इसके बारे में जो है हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1-3 पद तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। उपासना करने वालों को नापना जो है, यहां पर जो है उपासना करने वाले के जो उपासना कर रहे हैं उन पवित्र स्थान के अंदर वेदी के पास जो उपासना कर रहे हैं उनको नापने की बात हो रही है। नापने का जो अर्थ है कि नापने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को बढ़ाना या नापना या वर्शिप के कार्य को निर्धारित करना, परमेश्वर की ओर से जो है वो दिया गया है। इसको जो है इन बातों को समझें और इस बात को ध्यान में रखें कि नापने का अर्थ है परमेश्वर के लोगों से होता है कि वो परमेश्वर के लोग हैं और जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं उनके लिए परमेश्वर जो है वो जगह को तैयार कर रहा है। नापने का अर्थ होता ये भी है कि जगह को तैयार करना। आप पढ़ सकते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23-24 पद यहां लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। फिर है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। देखिए परमेश्वर जो है आराधना करने वालों को ढूंढता है, ढूंढ रहा है, मगर किन लोगों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। आत्मा का मतलब परमेश्वर स्वयं आत्मा है, अर्थात उस पवित्र आत्मा के साथ हमें जो है परमेश्वर की आराधना करनी है। वहां उपासना करने वालों को नापने की जो बात हो रही है वो उपासना करने वाले कौन लोग हैं। जो हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, मगर क्या हम परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ कर रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ हम आत्मा के साथ कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की आराधना या उपासना सच्चाई के साथ कर रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे हाँ सच्चाई के साथ कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? बिल्कुल सही है, यूहन्ना 14:6 में हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। सच्चाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। परंतु जब आप यूहन्ना 17:17 अध्याय पढ़ेंगे, 17 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ेंगे तो वहां प्रभु यीशु मसीह बड़ी लंबी प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल के अंदर यूहन्ना 17 अध्याय जो है लिखित रूप में प्रभु यीशु मसीह की बड़ी लंबी प्रार्थना है और उस प्रार्थना का जो वो एक छोटा सा अंश है, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17वां पद, वहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है
कि प्रभु इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। अब हम ये तो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, बिल्कुल सही बात है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया वचन है, परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया वचन है, जो लिखित रूप में दिया गया वचन है, जो परमेश्वर की ओर से वचन हम तक पहुंचा है, वो वचन जो है वो सत्य है, और उस सच्चाई से परिपूर्ण होकर, उस सच्चाई से भरकर, उसके भेदों से भरकर जो है हमें आराधना करनी है, उपासना करनी है। क्योंकि जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस तरीके से जब हम अपनी उपासना को, अपने कार्य को करते हैं, तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, और परमेश्वर ऐसे आत्मा और सच्चाई के साथ जो आराधना करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, उनको ढूंढता है। वचन के साथ जो है हमें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, वचन परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 से 15 पद, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश के युग के लोगों को दूंगा। अब बड़ा बड़ा ध्यान देने की बात है यहां पर। आप कहोगे उपासना से सीधे यहां पर कैसे आ गए, क्योंकि हम नापने की बात कर रहे हैं ना, हम नपाई की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है उपासना करने वालों को नाप रहा है। ये जो नपाई का काम है कि सबसे पहले परमेश्वर ने जब अपने लोगों के लिए जगह तैयार करनी चाहिए, जो उसकी नपाई का कार्य था कि जिसमें परमेश्वर के लोग जो हैं रह सके आराम से, वो नपाई का कार्य जो है किसी चीज से नापने का नहीं हुआ था, बल्कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू चारों दिशाओं में दृष्टि कर, यानी दृष्टि के द्वारा नापाई की गई थी, आंखों के द्वारा, कि मेरे लोग वहां आकर रहेंगे और मेरी उपासना करेंगे, मेरी आराधना उस जगह पर रहकर करेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने उस जगह पर अपना पवित्र मंदिर बनाया, उस जगह पर अपना नाम रखा, उस जगह पर दृष्टि रखी जहां आज इज़राइल जाति के लोग रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर उस पूरे देश में, जो इज़राइल देश कहलाया जाता है, वो परमेश्वर का के लोगों का देश है, जिसको परमेश्वर ने नपाई तोलाई करी चारों तरफ की दृष्टि के द्वारा, अब्राहम की दृष्टि के द्वारा परमेश्वर जो है वो दिखाना चाहता है और बताना जो चाहता है। और ऐसे ही हमारे लिए भी वो जगह तैयार की जा रही है जहां पर जाकर हम रह सके, हम परमेश्वर की आराधना करें, जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को के लिए जगह तैयार करी कि वो वहां रह सके और परमेश्वर की उपासना और आराधना कर सके। यीशु मसीह इस बात का वर्णन करता है, योना 14:2-3 पढ़ेंगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, जाकर, जब भाई जगह तैयार है, जगह तैयार करने की बात होती है तो उसकी नपाई तोलाई भी होती है। परमेश्वर देखता है कि मेरे कितने लोग हैं और मेरे लोगों के लिए कितनी जगह चाहिए, उनको तैयार कर, उस जगह को तैयार करने जाता है। और वो क्या कहता है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने कि मैं जब वापस आऊं तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, वहां तुम्हें रहना है, तुम्हें वर्शिप करनी है, आराधना करनी है। और ये वही लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ, यानी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है उस वचन की सच्चाई से परिपूर्ण होकर जो आराधना करते हैं, वो उनको प्रभु यीशु मसीह अपने यहां ले जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। हर एक किसी को नहीं ले जाएगा, हर एक किसी वर्शिप करने वाले को नहीं ले जाएगा, हर एक किसी प्रार्थना करने वालों को नहीं ले जाएगा, हर एक किसी का चर्च में जो जा रहे हैं सभी को नहीं ले जाएगा, हर एक जो बाइबल पढ़ रहा है नहीं ले जाएगा, हर एक जो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है नहीं ले जाएगा, परंतु जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो परमेश्वर की सच्चाई से, यानी परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण है, उन्हें ले जाएगा।
कि वो जो है वहां पर उस तरीके से प्रार्थना करें क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर किया। इसका जो दूसरा अर्थ है नपाई का जो है, इस नपाई का दूसरा अर्थ है कि अंत समय में ऐसे कितने लोग होंगे जो अंत समय में परमेश्वर के मंदिर की और उसके अंदर वेदी की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जिसका अर्थ जो है बताया जा चुका है। ऐसों के लिए प्रभु अपने यहां जगह तैयार कर रहा है कि उनको वहां रखा जाए जो मेरे और मेरे पुत्र के साथ हमेशा रहेंगे। नापने का एक अर्थ और भी है, नापने का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए जगह निर्धारित करता है, जैसा उसने अब्राहम के समय में अपने लोगों के लिए रहने के लिए और वहां पर आराधना करने के लिए जगह निर्धारित करी है, जो यरूशलम कहलाया जाता है, इज़राइल देश कहलाया जाता है, जिसमें उसने यरूशलम को बनाया, यरूशलम में जिसमें उसने अपने मंदिर को बनाया, और परमेश्वर आज भी उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ा है, पवित्र मंदिर। परंतु प्रकाशित वाक्य 11:1-3 में जगह रहने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की आराधना करने वालों के लिए निर्धारित की जा रही है। जैसा पवित्र मंदिर की नपाई का कार्य एज़ेकेल में जो है, एज़ेकेल ने जो दर्शन देखा था, आप जब पढ़ेंगे एज़ेकेल 40 अध्याय से लेकर और एज़ेकेल 48 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां पर मंदिर की हर एक चीज की नाप तौल की जा रही है। एज़ेकेल के समय में जो दर्शन वो देख रहा है मंदिर के नापने की। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर रहने की तो जगह देगा, एक नया आकाश एक नई पृथ्वी जो है वो रहने के लिए है, नया यरूशलम जो बनाया जा रहा है, नए यरूशलम जो नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर होगा, वो क्या होगा, वो हमारी आराधना का होगा। उस जगह को नापा तौला जाता है और परमेश्वर हमारे लिए उपासना करने वालों को निर्धारित कर रहा है। और ये नपाई का जो काम है वो यही है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ अगर उपासना कर रहे हैं तो उस जो उपासना की जगह जो निर्धारित की जा रही वो मेरे और आपके लिए की जा रही, ताकि हम वहां जाकर आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस पृथ्वी पर आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करें ताकि स्वर्ग में भी वैसे ही आराधना करने वाले बन सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।